अंबानी अडानी के डील को लेकर अब कुणाल कामरा ने कसा तंज कि यही डील कांग्रेस और बीजेपी में करवा दो, तो सोशल मीडिया पर आई रिएक्शंस की बाढ़। दरअसल अडानी ग्रुप ने मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ नो पोचिंग एग्रीमेंट कर लिया है, जिसका मतलब है कि रिलायंस ग्रुप और अडानी ग्रुप के कर्मचारियों को एक दूसरे ग्रुप के कंपनियों में जगह नहीं मिलेगी। दोनों कंपनियों के इस फैसले से कर्मचारियों के हितों पर टकराव हो सकता है। मोदी राज में बहुत आगे बढ़ चुकी दोनों कंपनियां अपने हितों के निस्बत कर्मचारियों के हितों में नहीं सोच रही है। अब कर्मचारी अपनी काम करने वाली कंपनी को छोड़कर एक दूसरे ग्रुप की कंपनियों में काम नहीं कर सकते हैं। इस फैसले से कर्मचारियों के आर्थिक हितों पर भी असर पड़ सकता है। बिजनेस इंसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक ये एग्रीमेंट इस साल मई में लाया जा चुका है और इन दोनों कंपनियों के सभी बिजनेस पर लागू होगा। दोनों ग्रुप्स में अब धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा है। अडानी समूह उन कारोबार में पैर जमा रहा है जिसमें रिलायंस ग्रुप पहले से ही काबिज है। इसका उदाहरण है कि पिछले साल अडानी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड के साथ अडानी समूह ने पेट्रोकेमिकल सेक्टर में प्रवेश किया, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले ही देश की सबसे बड़ी कंपनी के रूप में स्थापित है। रिपोर्ट के मुताबिक ये डील इसलिए की गई है ताकि कंपनियों के बीच टैलेंट वॉर को रोका जा सके। हाल ही में अडानी ग्रुप ने 5G स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाई थी। इस क्षेत्र में रिलायंस की जियो इन्फोकॉम देश की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। दोनों ग्रुप्स ने ये एग्रीमेंट इसलिए किया है जिससे कंपनियों के बीच टैलेंट वॉर को रोका जा सके। इस एग्रीमेंट के बाद मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज के कर्मचारी अब अडानी ग्रुप में काम नहीं कर सकेंगे और न ही अडानी ग्रुप के कर्मचारी रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए काम कर सकते हैं। वर्तमान में रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास 3.80 लाख कर्मचारी और अडानी ग्रुप के पास 23,000 कर्मचारी हैं। वहीं इस मामले में कॉमेडियन कुणाल कामरा ने ट्विटर पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा, कांग्रेस और बीजेपी में भी ये समझौता करवा दो मालिक। कुणाल कामरा के इस ट्वीट पर कई सोशल मीडिया यूजर्स रिएक्शंस देते दिखाई दे रहे हैं। इस पर प्रवीण जैन नाम के एक यूजर ने लिखा, आधी से ज्यादा भाजपा आजकल कांग्रेस नेताओं से भरी हुई है, ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी भाजपा का नाम बदलकर कांग्रेस हो जाएगा। तो वही अभिनंदन कुमार नाम के एक यूजर ने लिखा, मतलब ये कि यदि मैं नौकरी बदलना चाहूँ तो अब नौकरी भी नहीं बदल सकते, अब नौकरी होगा या गुलामी। तो एक यूजर ने लिखा, कुणाल कामरा सर एक मियान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो मैं इस पर पत्रकार अभिषेक लोहिया ने भी हंसने वाली इमोजीज शेयर करते हुए अपने रिएक्शन दिया है। तो इस पर एक यूजर लिखते हैं, क्या पता, लगता है समझौता ऑलरेडी है। ऐसे कितनी सोशल मीडिया यूजर हैं जो इस पर अपने अपने रिएक्शंस देते दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।